सत श्रीकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाबी अते पंजाबीयत दे नाल जुड़ियां खास खबरां। सब तो पहला सीधा रुख किसानी अंदोलन के वाल करांगे। किसान जथेबंदियां ते सरकार दे विचकार रेड़का लगातार बरकरार है। इस रेड़के दे विचकार किसान जथेबंदियां वाले पक्ष तो भी वड्डे वड्डे बयान सामने आउंदे ने ते सरकार वाले पक्ष तो भी। फिलहाल किसानां ते सरकार दे विचकार कोई गलबात नहीं है। इस नूं लैके भी संकेत देश के खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर के वलों दिए गए हैं। तोमर बीते दिन ही एक योजना की दूजी वरेगंढ के समागम के पहुंचे से। दस दिए कि किसान सन्मान निधि योजना की दूजी वरेगंढ का प्रोग्राम से जिथे शिरकत करने के लिए देश के खेतीबाड़ी मंत्री पहुंचे से, जिन्होंने इस मौके के उत्ते गलबात की। जो किसान के बारे सवाल पत्रकारों के वलों पूछा गया तो वो इस सवाल को टालते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसानों नाल पूरी संवेदनता ते नाल विचार करती रही है। अज भी जदों उन्होंने वालों कोई राय आती है तो भारत सरकार किसानों नाल विचार चर्चा करने लई हमेशा तैयार है। उधर दूजे पासे बीते दिन पंजाब दे विच लखे सदाणे दे वालों की गई नौजवान सभा हुण लगातार सियासी तूल फड़ती जा रही है। वखो वखरे सियासी बयान इस नूं लैके आने शुरू हो चुके ने। पंजाब दे विचों लखा सदाणा किस तरह महराज की रैली दे विचों पुलिस के हाथों बच के चलिया गया, इस नूं लैके हुण भाजपा के वलों पंजाब की मौजूदा कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के उत्ते तंज कसी जा रहे हैं। तो उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों जवाब भी कांग्रसी आगुआ के वलों दिए जा रहे हैं। तरुण चुग होना का बयान सुनांगे। तरुण चुग ने पंजाब सरकार के उत्ते गंभीर इल्जाम लाए ने। इन इल्जामों का जवाब भी सीधे तौर के उत्ते रवनीत बिट्टू और वेरका के वलों दिता गया। प्रमुख गैंगस्टर लखा सदाणा नूं पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार पूरी ताकत ला के हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह लखा सदाणा का बठिंडा दी महाराजपुर जिहड़ा कि कैप्टन साहब का अपना होम्स टाउन है, अपना वो पिंड है जिथे उन्हां दा पैतृक घर है, उहदे विच आना, रैली च शामिल होना और पुलिस का मूक दर्शक बने रहना, ये दसदा है कि कैप्टन साहब की कमिटमेंट हिंदुस्तान के अपने झंडे के नाल, राष्ट्रीय ध्वज नाल और लाल किले के प्रति की श्रद्धा है कि और अपमान करने वाला गैंगस्टर खुलेआम पंजाब च घूमता नहीं, चैलेंज भी करता है और पुलिस की मौजूदगी जो 2 घंटे वो गैंगस्टर स्टेज पर भी रहा है। कैप्टन साहब तुहाडी कमिटमेंट देश के राष्ट्रीय ध्वज वास्ते, लाल किले वास्ते और तुहाडी प्रशासन शासन पुलिस बल किस तरह गैंगस्टर्स की मदद कर रहा है, किस तरह उन्होंने हीरो बना रहा है, ये जनता नूं समझ आ रहा है। दुखद है, निंदनीय है कैप्टन साहब, ये जिहड़ी अग असीं पंजाब च लगा रहे हैं ये पंजाब और पंजाबीयत, पंजाबी भाईचारा, पंजाबी सभ्याचार वास्ते खतरनाक है। ये संघर्ष है जिहड़ा, ये पंजाब दा संघर्ष है, इहदे विच बहुत वड्डे परचे है जिहड़े वो साडे बजुर्गों तो लैके नौजवानों ते परचे दर्ज किए। एक भी विजुअल कोई दिखा देन, मैं लखे सदाणे दा किसी दी मैं बगैर मतलब तो कोई सपोर्टर नहीं गा, पर मैनू एक विजुअल दिखा देन जिहदे विच कोई कानून तोड़ रहा है, कोई कानून की उलंघना कर रहा है, कोई अपशब्द कह रहा किसी नूं, एक विजुअल आ जिहड़ा वो दिल्ली पुलिस दिखावे। दूजी गल, जिहड़ी भी कोई एफ आई आर दर्ज आ वो तो दिल्ली दे विच दर्ज आ, पंजाब दे विच कोई एफ आई आर दर्ज नहीं गी, तो ना जिहड़ी दिल्ली पुलिस आ उन्हें कोई कोआर्डीनेशन पंजाब पुलिस नाल कीता है भी ये बंदा साडे लई वांटेड आ, ये बंदा अरैसट करके सानू इह च मदद करो। दिल्ली पुलिस ने कोई वो कागज़ दिखा दो, इस करके जे उते परचा दर्ज आ किसी ते भी वो दिल्ली च दर्ज आ, तो दिल्ली पुलिस जे पंजाब पुलिस ना तालमेल कर दी, पंजाब पुलिस ना गलबात कर दी ते वो अलग गल सी। हुणे गल कहनी टीवी चैनल ते जिहड़े भी कह रहे आ बीजेपी वाले, उन्हां नूं ये सोचना चाहिए कोई देश का कानून आ, कोई देश का संविधान आ जिहदे नाल ये देश चलता है। तुसीं कहण ते टैलीविजन ते दिखाउण ते लखे सदाणे नूं जां होरां नूं पुलिस किवें फड़ सकदी आ बई, जिहड़ी एफ आई आर दर्ज आ वो दिल्ली दे विच दर्ज आ, पंजाब च कोई एफ आई आर दर्ज नहीं गी। इस करके पंजाब पुलिस एक आम बंदे ते जिते कोई परता दर्ज नहीं गा उहदे उत्ते पंजाब पुलिस किवें फड़ सकदी आ बई। असीं क्यों किसे नूं शह देंगे, जिन्हां दी शह आ सारे जाणदे आ बई। दिल्ली दे विच लाल किले दे विच
22-24 बैरीयर पार करके इन्हों लाल किले के किन्ने बचाया, ये भी एक सवाल है। 2-2.5 घंटे उड़दम मचाते रहे उत्थे केंद्र दी सारी एजेंसियां सी, केंद्र दे सारे अधिकारी सी, पैरा मिलटरी फोर्स जो उत्थे सी, ते उत्थे ये कार्रवाई तो बाद इन्हां नूं बच के जान दी इजाजत किन्ने दित्ती। दूसरी गल मैं कहां कि पंजाब दे विच इन्हां दे खिलाफ़ कोई FIR नहीं है, पंजाब पुलिस नूं ये कोई लोड़िंदा नहीं, तो असी किदां इन्हूं गिरफ्तार करिए। अगर दिल्ली पुलिस उहदे खिलाफ़ कोई वरंट है, कोई समन है, वह लैके आवे तो ये पंजाब पुलिस उन्हां दी जरूर मदद करेगी और वो कानून अपना काम करेगा। लेकिन मैं समझना कि लोकतंत्र के अंदर अपनी गल कहन दा, रैली करन दा सब नूं अधिकार है। जब तक कोई कानून की उलंघना नहीं होंगी, सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। उधर किसान अंदोलन लैके पंजाबी कलाकार हंसराज हंस का फिर तो बयान आया। हंसराज हंस इस बार ट्रामे के बोलते नजर आए ने। हंसराज हंस ने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि जल्द जरा किसानी अंदोलन का हल निकलेगा। तो शुरू होया उदो तो मेरा एको ही बयान है, मैं बयान नहीं बदलता। मेरा पंजाब भुग वैसे मेरे पंजाब की किसानी तो किसान सदा चढ़ती कला च रहन, रब करे जल्दी तो जल्दी हल ये निकले ताकि शांति नाल सारा कुछ रह सके। बहुत बुरा लग्या, इन्नी पिछे शिद्दत की ठंड सी, भैन भरा जड़े भी बैठे बुजुर्ग बच्चे उन्होंने सारे की हमदर्दी सी। लेकिन मैं तो मीडिया च भी बहुत बुलंद तरीके ने कहा कि रब्बा जल्दी कृपा कर, इहदा कोई ना कोई सल्यूशन निकले। उधर भाजपा के आगू विजय सांपला नूं बीते दिन SC ST कमीशन का चेयरमैन लगाया गया, जिस दरमियान हुण विजय सांपला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विजय सांपला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा है कि खास भाईचारे को हर तरह दीयां जरूरतां ते उन्हां नूं हर तरह इंसाफ दवाउण दे लई वो काम करते रहेंगे। कमीशन जिसका पहले SC और ST कमीशन एक साथ था और 2004 से यह कमीशन ST का अलग है और SC का पूर्ण रूप से सिर्फ SC का ही कार्य देखता है और इसका विशेष रूप से भूमिका रहती है कहीं भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय होता है, भेदभाव होता है, उत्पीड़न होता है तो उनको न्याय दिलाने का काम में मुख्य भूमिका इस आयोग की रहती है। आयोग के पास सभी जानते हैं कि दीवानी सिविल कोर्ट लगाने का पूरा अधिकार भी रहता है और इसमें चाहे वो सरकारी अदारे हों, चाहे वो केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सेमी गवर्नमेंट हों, स्टेट गवर्नमेंट हों, उनमें भी जो अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं उनके साथ भी कहीं अन्याय होता है तो उनको न्याय दिलाने की मुख्य भूमि रहती है। देखिए जो पहले योजना बनी थी जहाँ तक मुझे है उसमें अभी और सुधार करके एक पहले कुछ शंकाएं बीच में रहती थी, अब वो शंकाएं ख़त्म करके 60-40 की रेशो से केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है, अन्यथा पहले कई बीच में संशय रहती थी। और मैं ये समझता हूँ इस योजना से बहुत बड़ा लाभ, अभी मैं आंकड़े क्या रहेंगे इस वक्त तो मैं नहीं बता सकता, मगर भविष्य में आगे जब मिलेंगे तो इसके ऊपर मैं पूर्ण रूप से आपको अपनी क्लैरिटी भी दूंगा और इसमें योजनाओं का कितना लाभ हुआ ये भी बताने के लिए सक्षम रहूंगा। देखिए इसमें जहां तक आपने पंजाब के विषय में पूछा है, निस्संदेह कि पंजाब सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला प्रदेश है और जहां अधिक परसेंट होगी तो वहाँ केस भी अधिक हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर ये शक पूरे कहें तो उत्पीड़न तो पूरे देश में होता है। हाँ इसमें जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर स्कॉलरशिप का ये भी हमने आगे देखा है और उसमें कमीशन क्या अपना योगदान रोल अदा कर सकता है, जो भी संभव रोल होगा। और इसमें विशेष रूप से मैं कहूँगा कि संवैधानिक मर्यादाओं को देखते हुए जो भी संभव हमारा रोल होगा उसमें हमारी उपयोगिता रहेगी, भाग्यता रहेगी, वो करेंगे। ते हुण रुख पंजाबी कलाकार इंडस्ट्री दे वल करांगे तां पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री दे सिकंदर मन्ने जांदे सुरां दे सरताज सरदूल सिकंदर नहीं रहे। सरदूल सिकंदर ने आखिरी साह मोहाली दे फोर्टिस होस्पिटल दे विच लए ने। दस्सदी कि हुण तक दीआं रिपोर्टां दे मुताबिक सरदूल सिकंदर करोना वायरस के शिकार हो गई सी, जिस तों बाद लगातार वह फोर्टिस होस्पिटल दे विच दाखल सी। सरदूल सिकंदर ने 60 साल की उम्र के आखिरी साह लए ने।
तो सरदूल सिकंदर की इस बेवकती जान को लेकर पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के गम का माहौल है। तो हर एक दे वल्लों शरदा के फुल सरदूल सिकंदर भेट किए जा रहे हैं। तो सरदूल सिकंदर की देह को फोर्टिस हॉस्पिटल तो उन्होंने खन्ना के स्थित घर के लजाया गया। सरदूल सिकंदर जी के गाने पंजाब की पहचान है और संगीत में पूरे देश में उनका एक अलग स्थान है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि परिवार की क्या स्थिति होगी। जहाँ तक मुझे पता चला कोविड के कारण ऐसा हुआ है। मैं इसमें तो ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकता हूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या बोलूँ। परिवार को, उनके फैंस को, उनके सभी रिश्ते नातेदारों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे प्रभु, और वाहेगुरु जी की कृपा उनके परिवार पे रहे, क्योंकि मुझे लगता है इसमें परिवार बहुत ही दुखद स्थिति में होगा और बहुत बड़ी क्षति है संगीत जगत की। सरदूल सिकंदर जी का ना रहना ये संगीत जगत की भी, भारत के लोक संगीत की बहुत बड़ी क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत तकलीफ दे जी, बहुत सदमे च सारे ही, असी सारे दोस्त भी, उन्होंने फैन भी। बहुत वड्डा बंदा बस धोखा ही हो गया जी। रात गल हुई है, मैं उन्होंने बेटे नूं कहा कि जी शिफ्ट करवाना तो दसो दिल्ली ले आने इतने एम्स विच जां कोई होर बेटा कोई गल होवे, कहिंदे नहीं ठीक हो जाएगा। तो सुबह खबर मिल गई हमने तुहाडे तो ही पहला तो यही खबर सी कि बीमार है। बीमार का भी ज़्यादा पहला नहीं पता चलिया। बहुत ही तकलीफ दे बहुत। पंजाब इस वेले फिलहाल लिए ना ही फिर मुड़ हासिल होंने नवी ताज़ा अपडेट्स के नाल। तद तक लई मैनूं दी इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।